अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली मैंने एक सनब्लॉक ट्राई किया और वो मुझे इतना पसंद आया है तो आई थॉट कि इस पे वीडियो तो बनती है। मार्क 30 का ये सनब्लॉक है, SPF जो है इसका 90 है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इसकी क्रीमी सी है और कवरेज जो है इसकी हाई है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। और सन एक्सपोजर से 15 मिनट पहले आपने इसको अप्लाई करना है और हर 2 घंटे बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बैग पे इसकी इंग्रेडिएंट एंड हाउ टू यूज़ एक्सेट्रा सब कुछ मेंशन है। अच्छा, इसके अलावा मार्क 30 की फेशियल की रेंज भी मिलती है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ सनब्लॉक यूज़ किया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस है इसकी 400 और 500 समथिंग। और मैंने ये लोकल एक शॉप से ख़रीदा था, चलते फिरते मुझे एक शॉप पर ही अच्छा लगा और मैंने ले लिया था। क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और वाइट कास्ट जो है ये छोड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा जैसे रिवाज यूके के अक्सर सनब्लॉक का जिस तरह का वाइट कास्ट होता है ये वैसा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है और कुछ देर बाद वो भी फेड आउट हो जाता है। अच्छा, ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले दोनों स्किन वाले से आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी अपनी ड्राई स्किन है तो मुझ पर ये बहुत ज़्यादा सूट किया। उसके अलावा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की सेंसिटिव है स्किन और मतलब वो जब भी कोई मेकअप अप्लाई करती है और उसके बाद उससे बम्स होने लग जाते हैं, एक्नी हो जाती है, लेकिन ये सनब्लॉक मेकअप से पहले यूज़ करने के बाद ना उसे किसी किस्म की कोई एक्नी नहीं होती, तो आई थिंक ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ना काफ़ी सूटेबल है। अच्छा, टेक्सचर इसका क्रीमी है लेकिन उसके बावजूद ऑल स्किन टाइप वाले जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो ये लोकली एक शॉप से लिया था, लेकिन आप द्रास से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको आराम से द्रास से ही मिल जाएगा और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 400-500 समथिंग। अच्छा, आफ्टर स्वेटिंग और आफ्टर स्विमिंग आपको इसे 80 मिनट बाद दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा, इसके बैग पे मेंशन है। और उसके अलावा हर 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद आप इसे रीअप्लाई करेंगे। बाकी इसका SPF जो है 90 है, जो कि काफ़ी हाई है, तो काफ़ी अच्छा ये आपको सन प्रोटेक्शन देता है। ट्यूब पैकेजिंग है और 400 और 500 में ना इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी आपको मिलती है। अगर तो आप स्किन केयर कर रहे हैं लेकिन आप सन ब्लॉक अपनी स्किन केयर में शामिल नहीं कर रहे, तो ऑनेस्टली आप जितनी भी स्किन केयर कर रहे हैं ना वो सब वेस्ट है। सो ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन अगर आप घर में हैं, घर से बाहर हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो लाजमी अप्लाई करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप घर में भी हैं तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ से सन एक्सपोजर होता है, और स्पेशली अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या इवन के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो लाइट है वो भी आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करती है, तो सनस्क्रीन जो है वो आपको घर में भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, इसके बैक पे मेंशन है कि ये सेंसिटिव स्किन जो है उसको प्रोटेक्ट करती है सन डैमेज से, उसके अलावा डिस्कलरेशन जो है उसको कम करती है, डार्क स्पॉट को फेड करती है और उसके अलावा जो रिंकल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोकती है। अच्छा, ये रिंकल से प्रिवेंट करती है या डार्क स्पॉट जो है मुकम्मल फेड आउट करती है या डिसकलरेशन जो है उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है, इस बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये सन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, ये सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है और बोर्ड स्पेक्ट्रम है यानी UVA और UVB दोनों रेज जो हैं उनसे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस सनब्लॉक के साथ बहुत अच्छा रहा है और ड्राई स्किन वालों के लिए ना बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सनब्लॉक। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं इतनी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरी अपनी ऑयली स्किन नहीं है, लेकिन जिन्होंने यूज़ किया है उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ना ये बहुत ही अच्छा सनब्लॉक। तो जी, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।